हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कन्हैया मर्डर के खिलाफ उदयपुर में सड़कों पर जनसैलाब, खामोशी से जाहिर किया आक्रोश। उदयपुर में कन्हैया लाल की क्रूरता से हत्या के बाद पूरे राजस्थान में माहौल शांत लेकिन तनावपूर्ण है। गुरुवार को उदयपुर में हिंदू समाज के हजारों लोग सड़कों पर उतरे और मौन जुलूस निकालकर खामोशी से अपना आक्रोश जाहिर किया। लोग हाथों में तिरंगा और भगवा झंडा लेकर सड़क पर चले। कई लोगों ने हाथ में पोस्टर लेकर आरोपियों के खिलाफ फांसी की मांग की। कन्हैया लाल की जनघन्य हत्या के विरोध में उदयपुर में सर्व समाज की ओर से मौन जुलूस निकाला गया। ब्राह्मण, राजपूत, सिख, शिमाली समाज, गौड़ समाज, खंडेलवाल समेत अन्य समाज के हजारों लोग सुबह 9:30 बजे टाउन हॉल परिसर में जुटे। यहां से जुलूस के रूप में पैदल ही चलते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। सबसे आगे धर्म गुरुओं को रखा गया था। इसके बाद अलग अलग समाज के लोगों की कतारें थी। कलेक्ट्रेट पर युवाओं ने नारेबाजी की और हत्यारों को फांसी देने की मांग की। हालांकि इस दौरान आयोजकों की ओर से लगातार अपील की जाती रही है कि सबको शांति से अपना विरोध प्रकट करना है, किसी को संयम नहीं खोना है, किसी तरह की आपत्तिजनक नारेबाजी नहीं करना है। वहीं प्रशासन से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने देने का आश्वासन दिया गया। कन्हैयालाल की हत्या से उपजे आक्रोश और गुस्से को देखते हुए उदयपुर के थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू को भी बरकरार रखा गया है। इंटरनेट भी अभी तक बंद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों के नाम अपील जारी करते हुए कहा कि सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है, सभी लोग शांति बनाए रखें। जागरूक टीवी के लिए उदयपुर से खास रिपोर्ट।